पेंशन स्कीम का मुद्दा इस वक्त दिल्ली में बढ़ के उठाया जा रहा है। इस वक्त दिल्ली के रामलीला मैदान में मैं चाहूंगी तस्वीरें दिखाई जाए चारों तरफ कैमरा पैन करके कि बड़ी संख्या में जो कर्मचारी है यहाँ पर इकट्ठा है, उसमें शिक्षक भी है। एक तरफ मन से जो है वो लगातार अपनी बात कही जा रही है तो दूसरी तरफ जो लोग यहाँ पर इकट्ठा है वो सभी लोग उसी कर रहे हैं, यहाँ पर अपनी बात जो है वो उठा रहे हैं। इन सभी लोगों से एक एक करके बात करेंगे क्योंकि एक सुर में सिर्फ एक ही चीज कही जा रही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया जाए। आखिर ऐसा क्यों चाहते हैं, क्या कुछ उससे इन लोगों को मिलेगा, कितना इनके लिए वो अच्छा है या बुरा है, क्यों ऐसा सोचते हैं, ये सब बारे में बातचीत करें। सबसे पहले तो ये नाम बता दीजिए कहाँ से आए। मैं जिला जनपद पीलीभीत से डॉक्टर कमलेश सिंह जिला महिला हॉस्पिटल से आया हूँ और मेरे साथ करीब 50 डॉक्टर्स यहाँ पे आए हुए हैं और हम लोग सभी अपने वाहन से आए हुए हैं। देश के अलग अलग जगहों से देश के यहाँ पर कितने लोग इकट्ठा है पूरे? मोदी जी सांसद जिस से हम वाराणसी से हम आए हैं, वहाँ के असिस्टेंट लोको पायलट हम हैं, हमारे साथ कम से कम 100 लोग यहाँ पे आए हैं। हम लोगों को ओपीएस चाहिए, चाहे वो किसी कीमत पे चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग जिलों से लोग आए हुए, ना सिर्फ यूपी से बल्कि देश के अलग अलग जगहों से। जिन लोगों से अभी तक हमने बात की है अलग अलग जगहों से, क्या चाहते हैं, चाहते क्या है, मांग क्या है महारैली आज की? हम लोग 24 घंटे इमरजेंसी ड्यूटी करते हैं। जजों को ओल्ड पेंशन चाहिए तो डॉक्टर्स को, कर्मचारी को और जो भी सरकारी हैं उन्हें अगर ओल्ड पेंशन नहीं दी जा रही है तो ये हम लोगों के साथ अन्याय है और न्याय संगत नहीं है। और जो चीज़ न्याय संगत संवैधानिक नहीं है उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे, जिससे हम मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। क्या आप लोगों को लगता है क्यों आपके लिए वो बेहतर? ये ओल्ड पेंशन स्कीम ही चाहिए, न्यू पेंशन स्कीम पूरी मार्केट पर आधारित है, इसे बिल्कुल नहीं चाहिए। जब नेता ओल्ड पेंशन ले सकते हैं पेंशन क्यों नहीं ले सकता? हमें केवल और केवल ओल्ड पेंशन चाहिए, ओल्ड पेंशन चाहिए। आप लोग लगातार ओल्ड पेंशन की मांग कर रहे हैं, मुझे ये बताइए आज मन से लगातार कहा जा रहा है कि 24 के लिए अभी से वार्न कर रहा है, ये वार्निंग किस लिए, क्यों सरकार के लिए ये 24 की वार्निंग क्या है? देखिए बात 24 की नहीं है, बात है समस्या की। जब ये इतनी विकराल समस्या है तो इन्हें क्यों नहीं दिखाई देती है? ये कहते हैं कि ये कर्मचारियों के हित में है, लेकिन हम लोगों के लिए कह रहे हैं न्यू पेंशन। क्या है न्यू पेंशन? न्यू पेंशन में कोई अस्तित्व नहीं है, भविष्य सिक्योर नहीं है। हमारे जितने पुराने साथी रिटायर हो रहे हैं कोई 2000 कोई 5000 इससे ज़्यादा पेंशन नहीं ले पा रहा है। क्या इसमें आज की डेट में कोई अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता है? अगर ये गवर्नमेंट कहती है कि 5000 में भरण पोषण हो सकता है तो ठीक है, फिर ये क्यों इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं? तो इसलिए मैं देखिए मीडिया से भी कहना चाहूँगा कि मीडिया हमारी सही बात को दिखाना नहीं चाहती है। बिल्कुल आपकी बात को दिखा रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर हैं। मुझे बताइए आप युवा हैं, एक युवा होने के नाते मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आप युवा हैं, मुझे आप ये बताइए कि आप यहाँ पर काफी देर नारेबाजी भी बहुत देर से कर रहे हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग क्यों और किस डिपार्टमेंट में कहाँ काम कर रहे हैं? हम वाराणसी डिवीजन में रेलवे में है, असिस्टेंट लोको पायलट है। हम ओल्ड पेंशन की इसलिए मांग कर रहे हैं क्योंकि हम 30 साल तक अपना पूरा जवानी देश की सेवा करते हुए बिताएंगे और जब हम रिटायर होंगे तो हमारा जो पैसा हमारा कटा है वही पैसा हमें 60% मिलेगा, जबकि 40% उसको पेंशन दे। और जो पैसा लग रहा है शेयर मार्केट में लगा रहे हैं सरकार, और उस समय शेयर मार्केट अगर हमारा नीचे गिर गया है तब तो हमें 200, 400 या 5000 एक रुपया भी नहीं मिलेगा। इसलिए हमारा भविष्य तो कोई फिक्स है नहीं, इसलिए हमें अपने भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए कि अगर हम जब रिटायर होंगे उस समय हमारी एज कम से कम 60 वर्ष या 65 वर्ष होगी, जब हमारी 60 वर्ष 65 रिटायर हो तो उस समय हम अपना भरण पोषण करने के लिए हमें जो हमारी पेंशन मिलती है पुरानी पेंशन, उस व्यवस्था के थ्रू हमें पुरानी व्यवस्था चाहिए जिससे हमारा भविष्य सुरक्षित हो सके। कि एक युवा कह रहा है कि उसको अपने भविष्य की चिंता होती है, आपसे मैं जानना चाहती हूँ किस डिपार्टमेंट में कहाँ काम करते हैं, आपको क्यों ओल्ड पेंशन चाहिए, आपको क्यों लगता है वो आपके लिए बेहतर? कि नई पेंशन में कोई हमारी सुरक्षित जीवन नहीं है, हमारे बच्चों के भविष्य की कोई चिंता नहीं है सरकार को। अगर सरकार कह रही है कि पुरानी पेंशन खराब है नई पेंशन ठीक है तो क्यों नहीं सांसद और विधायक ले रहे हैं? अच्छी चीज तो उनको ना चाहिए, अच्छे के बाद ही हम लोगों को मिलता है, नेताओं के बाद
मंत्रियों के बाद ही कर्मचारी को कुछ भी लाभ मिलता है, तो क्यों नहीं अच्छी काम वो ले रहते हैं, हमको बुरा ही दे, हम बुरे पर अड़े हैं तो हमको बुरा दे, हमारे लाभ के लिए हम अपनी लाभ स्वयं अच्छा से सोच सकते हैं सरकार से अच्छी तरह से। यही मेरी मांग है कि हमको ओल्ड पेंशन चाहिए हर हाल में। मैं आप लोगों के पास आ रही हूँ, एक एक करके बात रखेंगे तो शायद आप लोग बेहतर बात रख सकते हैं। जी आप प्रश्न करिए, क्या प्रश्न? मेरा प्रश्न ये है कि मोदी जी की पत्नी पुरानी पेंशन में, मोदी जी पुरानी पेंशन में, मैं नया पेंशन में क्यों, आखिर क्यों, यही इसका उत्तर मोदी जी दे दे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब पुरानी पेंशन खत्म की गई अटल जी की सरकार में, तो हमारा देश उसमें आर्थिक मार से झेल रहा था, आर्थिक मार से जो झेल रहा था तो उसमें आवश्यकता थी, उन्होंने खत्म कर दिया। आज हमारी देश पांचवी अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में है, तो आज मोदी जी को इसको खुशी खुशी जो है पुरानी पेंशन बहाल कर देनी चाहिए, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था अब मजबूत हो चुकी है। अब हमारे पास कोई बहाने नहीं है कि हमारे पास अर्थव्यवस्था की कमी है, हमारे पास आर्थिक कमजोरी है, ऐसे कुछ नहीं है, तो कर देना चाहिए, ये जनहित में है। हमारे नेता लोग जो है सारे लोग पर जो है वो पुरानी पेंशन ले रहे हैं, हमको वो जो है नई पेंशन के और एक ऐसा पेंशन दे रहे हैं जो शेयर मार्केट पे वो निर्भर करता है। अगर वो शेयर मार्केट अगर डाउन हो गया तो हमारा फिर भविष्य अंधकार में हो गया। अपने भविष्य की चिंता लोगों को यहाँ सता रही है, यही वजह है कि यहाँ पर लोग जो हैं वो पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल कराना चाहते हैं। महाराष्ट्र से आए हुए लोग भी यहाँ पर साथ में, थोड़ा आगे आ जाएं आप लोग। आप लोग कहाँ से हैं, किस जगह में और किस डिपार्टमेंट में काम? रेलवे में जॉब करता हूँ। कहाँ से? रेलवे में। इंडियन? कहाँ, किस जगह? हैदराबाद। हैदराबाद से? ठीक है। आप संदीप चौधरी के क्लब में, यू आर वर्किंग विद संदीप चौधरी सर, आई एम ए बिग फैन ऑफ संदीप चौधरी। और सब अभी सीधा सवाल में भी ओपीएस का इश्यू उठाने के लिए मेरे तरफ से रिक्वेस्ट है उनको, न्यूज 24 में रेगुलर था उनका ओपीएस इश्यू। मुझे ये बताइए कि यहाँ पर आप लोग कहाँ से? मैं महाराष्ट्र से हूँ। आप लोग किस डिपार्टमेंट में, कहाँ? WRD वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, जिसे पहले पाटबंदर विभाग कहा जाता था, 2005 से जो कि बंद हो चुके हैं। हम सरकार को सेवा दे रहे 30-40 साल, उसके बाद जब हमारी 58 साल 60 साल हो जाते हैं, उसके बाद हमारी जो पावर होती है वो कम हो जाती है, उसके बाद कोई हम कुछ चीज़ नहीं कर पा सकते हैं। जो हमारा जो उसके बाद का जो जीवन है, हम कैसे जिए, उसके लिए हम जो पूरी इंग्रज काल से भी लागू है और जब से हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ है, उसके बाद भी हमारे कर्मचारियों को जो पेंशन लागू थी वो हमें चाहिए, हमें कुछ अलग नहीं मांग रहे। क्या ये बड़ा मुद्दा इलेक्शन में होगा? यदि मोदी सरकार 2024 से पहले, चुनाव से पहले पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है, तो हम लोग झोला लेकर निकलेंगे, गाँव गाँव घर घर घूमेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि इस निकम्मी सरकार को बाहर करो, यही हमारा कहना है। कर्मचारी साथी आज यहाँ आए हैं अपील करने, अपील नहीं सुनी जाती है तो हम लोग निश्चित तौर पर इस चुनाव में इस सरकार को बाहर करने का काम करेंगे और जो सरकार पुरानी पेंशन देने का काम करेगी उसको हम लोग सत्ता में लाएंगे। चुनाव में ये कितना बड़ा मुद्दा, इलेक्शन में कितना बड़ा मुद्दा ये? इलेक्शन में ये बहुत बड़ा मुद्दा तो होने ही वाला है, क्योंकि जो कर्मचारी है, जो कर्मचारी से इसका अंदाजा लगा सकते हैं। मैं तो बोल रहा है ये जो 100% होंगे, 100 में से सिर्फ 25% लोग यहाँ पे आए हैं। हर किसी को कुछ ना कुछ अड़चन रही थी, कुछ ना कुछ जिम्मेदारी रही थी, 25% लोग इसका है और इससे 75% लोग बाकी है। और जब 100% लोग, ये सिर्फ कर्मचारी है, उनके घर के लोग, उनका मित्र परिवार, ये परिवार, तो इसके वजह से आने वाले इलेक्शन पे बहुत बड़ा फर्क इसके ऊपर गिरने वाला है, बड़ा असर होने वाला है इलेक्शन। जी इलेक्शन में बड़ा बदलाव आने वाला है, जो लोग एक दिन के लिए चुने जाते हैं वो पुरानी पेंशन में आते हैं और हम लोग जो जनता की सेवा 20 साल और 40 साल करते हैं उनको नई पेंशन का झुंझुना थमा दिया गया है। बताइए हमारा भविष्य क्या होगा, बुढ़ापे में जब हम रिटायर हो जाएंगे उसके बाद कहाँ जाएंगे, किसके आगे हाथ फैलाएंगे? पेंशन हमारा अधिकार है, सरकार को ये देना चाहिए। हम लोग वो कोरोना का दौर याद करिए, जब कोई भी नेता अपने घर से नहीं निकल रहा था, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे और हम लोग वहां पर जनता की सेवा करने के लिए अस्पतालों में सुरक्षा कर्मियों के रूप में लगे हुए थे और उसके बावजूद सरकार हमें पेंशन नहीं दे रही है। तो देखिए यहां पर ये सभी लोग वो हैं जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल कराना चाहते हैं और चाहते हैं कि जो नई पेंशन स्कीम है उसको हटाया जाए, लोगों को वापस से पुरानी पेंशन स्कीम जो है। दिल्ली के बढ़ चढ़ के ये मुद्दा जो है वो उठाया जा रहा है, लगातार नारेबाजी भी हो रही है और मन से भी लगातार ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि 24 में इसको हम बड़ा मुद्दा बनाएंगे और आगामी जो राज्यों में विधानसभा चुनाव है उसमें भी ये मुद्दा बड़ा बन जाएगा।
We'll be right back.